जय श्री कृष्णा। सभी को मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही पूरी। तो उसके लिए पूरी मैं बाज़ार से ही ले आई थी रेडीमेड। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये तला गई है, फूल भी गई है और बहुत कुरकुरी भी रहती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। तो हम रेडीमेड जो पूरी रहती है उसको घर पे लाके और रख ले, और जब हमारी इच्छा हो जब हम दही पूरी या पानी पूरी घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी पूरी उनको तल लिया है, और उसी के साथ में मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के भी नाम लूँगी जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। सारे फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक वीडियो में हम सभी का नाम नहीं ले सकते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स के तो मैं पिछले वीडियो में नाम ले चुकी हूँ, अभी 4-5 वीडियो से मैं फ्रेंड्स के नाम ले रही हूँ। तो आज मेरी फ्रेंड लिस्ट में है प्रिया चौधरी क्रिएशन। तो आप इनके चैनल पर भी जाइए, इनके वीडियो भी बहुत अच्छे रहते हैं और ये भी सभी को सपोर्ट करती है। जब से मेरी फ्रेंड बनी है, जब से मेरे हर वीडियो पर आती है। और दूसरी फ्रेंड है मेरी नंदा की रेसिपी। तो ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन बताती है, इनकी रेसिपी है जो छत्तीसगढ़ की विशेष रेसिपी यह रहती है, और इनकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया रहती है। आप इनके चैनल पर भी जाइए, इनको भी सपोर्ट कीजिए। एक फ्रेंड है मेरी आईची पाकृति। तो ये एक मराठी चैनल है और इनकी मराठी लैंग्वेज में ही ये रेसिपी बनाना बताती है, लेकिन मराठी मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो मैं इनकी हर रेसिपी देखती हूँ, हर वीडियो देखती हूँ, एक दो वीडियो छूट जाते होंगे। तो इनके चैनल पर भी आप देखिए, बहुत अच्छी रेसिपी बताती है, और ये भी जब से मेरी फ्रेंड बनी है अभी तक मेरे साथ है। और आप लोगों से बात करते करते मैंने पूरी तैयार कर ली है, मेरी पानी पूरी ये तैयार हो गई है, और सारी सामग्री भी मैंने एक जगह साथ में रख ली है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ही फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे हैं और सभी सपोर्ट करते हैं। और आप सब लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें तैयार है दही पूरी के लिए। तो ये हमारी पानी पूरी या पानी बतासे, और ये है बूंदी, ये है सेव, हरा धनिया, प्याज, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, ये उबले हुए आलू, ये है मटर के दाने उबले हुए, ये मीठी दही, ये हरी चटनी, पुदीने और हरे धनिए की चटनी, और ये है हमारी इमली की चटनी। तो चलिए हम बनाते हैं दही पूरी। तो मैं दही पूरी कैसे तैयार करती हूँ ये भी आप ध्यान से देखते रहिए और मेरी बातें भी सुनते रहिए। तो आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के पास शेयर कीजिए, ताकि मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बन सके और मुझे सपोर्ट मिल सके। आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकूँगी। तो देखिए मेरी पानी पूरी भी मैं तैयार कर रही हूँ, आलू डाल रही हूँ और इसी तरह मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। और ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगी थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो हमें एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और हम एक दूसरे के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप किसी को फ्रेंड बनाते हैं तो उनके वीडियो पर जाया करें,
क्योंकि उससे क्या, हम जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हमें भी लगता है कि अगर हम उनके वीडियो पर जाते हैं तो हमारे वीडियो पर वो भी आए। जैसे कई लोग हैं जो मेरे एक दो वीडियो पर आते हैं, उसके बाद फिर वो मेरे 4, 5 या 6 वीडियो पर नहीं आते हैं, तो फिर मैं भी उनके वीडियो पर नहीं जा पाती हूँ। और पर मैं उनको अन नहीं करती हूँ। कुछ लोग क्या है, फ्रेंड बना लेते हैं और उसके बाद फिर अन कर देते हैं। तो आप किसी के भी फ्रेंड बने तो फिर अन ना करें, उनके साथ हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के लिए एक दो वीडियो पर गए आप और फिर नहीं। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है अभी भी, जैसे 4 लोग जुड़ते हैं तो 2 लोग कम हो जाते हैं इस तरह से। तो अगर आप जाए उनके वीडियो पर भी जाए तो आप लोगों से बात करते करते हमारी दही पूरी बन के तैयार हो गई है। अब ये दही पूरी बन के तैयार है। अब देखो ये सब खाएंगे, ये हमारी भाभी है, भुआ जी की बहू है, और ये चख के बताएगी कैसा लगा। लो भाभी, अरे लो ना, वो बोल रही है पहले उनको दो, भैया जी को। लो लो भैया जी, कैसी बनी भैया जी? बहुत बढ़िया टेस्टी। हाँ बुआ, अच्छी लगी है ये। लो भैया जी, लो। और दही पूरी सबको बहुत ही टेस्टी लगी है। और ये उठ के जाएंगे, अभी बोल रहे हैं कि मेरे को अलग प्लेट में लगा दो और मैं अब सभी लोगों के लिए अलग अलग प्लेट में लगा दूंगी। हाँ तो देखो भाभी कैसी लगी? अच्छी लगी ना तुम लोग? नहीं, मेरा